वर्ब भी क्या, टीवी एंड आईटीवी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पार्ट वन अपन देख चुके हैं कल, उसमें मैंने बताया कुछ कि कैसे टीवी और आईटीवी इधर उधर अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट डालती है, रिएक्शन देती है ना, उसके लिए कैसे बी को बीच में डाला जाता है ताकि सब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़े। आईटीवी पैसिव सेंटेंस में कभी नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि वो उसमें सब्जेक्ट प्रोवाइड होता है तो ऑब्जेक्ट की तो बात ही नहीं हो सकती। टीवी में बात हो सकती है एक्टिव पैसिव सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो कल का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आज का वीडियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कल का था। तो वीडियो दोनों ही देखें, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से समझनी है, बोलनी है, एग्जाम में अच्छे से फाइट करनी है, समझना है पूरी इंग्लिश को अच्छे से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, इसमें थोड़े से रूल है, रूल क्या, वही चीज़ें बोलूँगा जो मैंने कल के वीडियो में बोले, ताकि आपको एक रिपीटेशन हो जाए कि हाँ, मतलब वो चीज़ दी एक बार और दिमाग से लिंक हो जाए। रूल ये है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सबको पता है, लेकिन मेरा वो बताना है जिनको, जिन नहीं पता उनके लिए ज़रूरी है। टीवी, टीवी क्या होती है, पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा है मैंने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब चीज़ जो मैंने खुद से लिखी है। ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट डालती है टीवी, यानी अपना प्रभाव ऑब्जेक्ट पर डालेगी यदि सेंटेंस एक्टिव में है। यदि एक्टिव सेंटेंस में है, आई ईट फूड, आई ईट फूड, तो फूड, ईट क्या, ईट खाना, खाया क्या, खाया फूड, मैंने खाना खाया, तो हो जाएगा। ईट से पूछेंगे ईट व्हाट, ईट व्हाट क्या, फूड, फूड खाना, क्या खाया, खाना खाया, तो ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट डाल रहे ना, क्योंकि आई तो सब्जेक्ट हो जाएगा, फूड ही तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते, यदि सेंटेंस पैसिव में है तो टीवी का इफेक्ट यानी प्रभाव सब्जेक्ट पर डालेगी। जैसे अगर सेंटेंस पैसिव में है, पैसिव यानी कि उसने उसमें एक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, पैसिव सब्जेक्ट है, जैसे मेरे द्वारा खाना खाया गया, मैंने खाना खाया तो एक्टिव लाइन थी, इसकी पैसिव लाइन क्या होगी, मेरे द्वारा खाना खाया गया, तो मेरे द्वारा खाना खाया गया। अब यहाँ पर पैसिव सब्जेक्ट थी, अपन को पैसिव में है, तो पैसिव सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तो मेरे द्वारा खाना गया, तो मेरे तो क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा, तो ये तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट किसने खाया, मेरे द्वारा खाना, खाना यहाँ पे दूसरा नाउन है, और नाउन ही दूसरा नाउन ही यही सब ऑब्जेक्ट होगा जो कि सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, क्योंकि पैसिव में क्या है, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव में ये तो होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो खाना क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो फूड इज ईटन बाय मी, आई ईट फूड, मैंने खाना खाया, फूड इज ईटन बाय मी, तो ये हो जाएगा पैसिव सेंटेंस, ठीक है। तो यदि पैसिव सेंटेंस में हो तो अपना इफेक्ट यानी सब्जेक्ट पर डालेगी, तो क्योंकि सब वहाँ एक्टिव सेंटेंस में भी फूड पे इफेक्ट डाल देते, आई ईट फूड, ईट क्या, खाना। अब पैसिव सेंटेंस में भी फूड पे इफेक्ट डालना पड़ेगा अपन को, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वही है ना, माना कि वो सब्जेक्ट के स्थान पे चला गया, लेकिन डायरेक्शन तो उसी पे होना है ना, तो जैसे तैसे अपन को इफेक्ट को घुमाना है जहाँ पर फूड चला गया है, पहले वो ऑब्जेक्ट की पोजिशन पर था तो सीधा चला गया था कि आई ईट फूड, ईट व्हाट की फूड, है ना। अब वो पैसिव सेंटेंस बन गया तो फूड इज इटन बाय मी, ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी, तो फूड इज इटन बाय मी, तो इटन से रिएक्शन डालेंगे सब्जेक्ट की ओर, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, तो वहां पे अपन को कुछ चीजों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वो चीज नीचे देखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट पर डालेगी तथा टीवी पैसिव सेंटेंस में बी फॉर्म लेगी, टीवी जो है पैसिव सेंटेंस में। अब टीवी क्या है, टीवी जो है वो पैसिव सेंटेंस में यूज हो रही है, क्योंकि टीवी पैसिव में यूज होती है, आई टीवी नहीं होती पैसिव में। अब वो बी का यूज करेगी, क्यों, क्योंकि जिसको रिएक्शन पहले नॉर्मली आई ईट फूड, ईट से पूछ रहे थे व्हाट, तो फूड पे जा रहा था, लेकिन अब इसका पैसिव सेंटेंस फूड इज ईटन बाय मी, फूड इज ईटन बाय मी, तो अब ईटन का जो इफेक्ट है उसको फूड पे डालना बी, तो इसके लिए कुछ अलग से अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस ही चेंज हो गया, तो इसके लिए अपन को बी लगानी पड़ेगी ईटन के जस्ट पहले, ताकि बी जो है वो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने रिएक्शन को सब्जेक्ट की तरफ घुमा देती, जो कि ऑब्जेक्ट हुआ करता था एक्टिव सेंटेंस में, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस में फूड क्या था, ऑब्जेक्ट था, अब पैसिव सेंटेंस में फूड क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, तो बी लगाना पड़ेगा ताकि जो ईटन का जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट की ओर चला जाए, ठीक है। तो टीवी में पैसिव सेंटेंस में बी फॉर्म लगेगी, क्योंकि उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर ना डाल कर सब्जेक्ट पर डालना है, सही है ना, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट था, अब उसको सब्जेक्ट की ओर डालना है उसका, क्योंकि उसे अपना प्रभाव ऑब्जेक्ट पर ना डालकर सब्जेक्ट पर डालना है, ठीक है, क्योंकि पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट उठकर सब्जेक्ट के स्थान पर चला गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। तथा इसी वजह से टीवी को भी जैसे तैसे अपना प्रभाव सब्जेक्ट की ओर घुमाना है, ठीक है, उसको उधर ही घुमाना है, तो इसके लिए वो बीच में लगा और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव सेंटेंस में, टीवी की थर्ड फॉर्म बी प्लस टीवी की थर्ड फॉर्म पैसिव सेंटेंस में हमेशा होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को।
अच्छे से समझा रहा हूँ मैं पूरी चीज़। आगे बढ़ते हैं, अब टीवी की पहचान कैसे करते हैं ये भी हमें आना चाहिए, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कैसे। व्हाट या हुम पहले लगाकर पर्सन पूछो वर्ब से, व्हाट या हुम से क्वेश्चन पूछो वर्ब के पहले लगाकर। अगर आंसर या इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो रहा है, आंसर इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो रहा है, ये पूरा अच्छे यहाँ से पढ़ो जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आप भी पढ़ो। अगर ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो रहा है तो एक्टिव सेंटेंस में, तथा पैसिव सेंटेंस में इफेक्ट सब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो तो टीवी है। अगर आपको एक्टिव सेंटेंस दे रखा हो पेपर में या कहीं भी लाइन पे, तो वहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा, जो वर्ब है उसके पहले लगाओ। जैसे आई ईट फूड, ईट व्हाट, उससे पूछो ईट व्हाट, व्हाट क्या खाया, ईट ईट यानी खाना, खाना खाया, क्या खाया, फूड। फूड पे इफेक्ट डाल जा रहा है एक्टिव सेंटेंस की वजह से, फूड पे इफेक्ट जा रहा है तो टीवी है, ठीक है। अगर ये लाइन आई ईट फूड पैसिव सेंटेंस में कहीं लिखी हो, जैसे फूड इज ईटन बाय मी, फूड इज ईटन बाय मी, तो पैसिव में है, तो पैसिव सेंटेंस में इफेक्ट टीवी का कहाँ जाना चाहिए, सब्जेक्ट की ओर। क्यों? क्योंकि एक्टिव सब्जेक्ट थोड़ी, एक्टिव सेंटेंस थोड़ी ना है ये, पैसिव सेंटेंस की बात करें तो पैसिव सेंटेंस में टीवी का इफेक्ट सब्जेक्ट की ओर जाना चाहिए, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस में टीवी का इफेक्ट ऑब्जेक्ट की ओर जाना चाहिए, यानी आगे की ओर जाना चाहिए, ठीक है। और पैसिव सेंटेंस में अपने टीवी का इफेक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि पीछे की ओर जाना चाहिए, और इसमें एक्टिव सेंटेंस में फॉरवर्ड डायरेक्शन ही जाना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए बी बीच में लगाना पड़ता है, क्योंकि बीच पीछे घुमाना होता है अपन को बैकवर्ड डायरेक्शन में टीवी का इफेक्ट, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, व्हाट या हुम लगाकर पर्सन पूछो वर्ब से, अगर आंसर इफेक्ट जो ऑब्जेक्ट पर जा रहा है वो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो रहा है एक्टिव सेंटेंस में, ठीक है। और एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हुआ आगे की ओर, और पैसिव सेंटेंस में इफेक्ट सब्जेक्ट की ओर ट्रांसफर होता है तो वो वर्ब टीवी हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो टीवी वर्ब है वो, ठीक है। और आईटीवी भी देखते हैं, आईटीवी कुछ भी नहीं इसमें लिखा हुआ है, इसमें एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रभावी होता है, इसमें एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रभावी होता है। जैसे आई रन, मैं दौड़ता हूँ, अब आई रन मैं दौड़ता हूँ, तो दौड़ वर्ब से क्वेश्चन पूछो, व्हाट या हुम से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे यहाँ पे, किसी और से क्वेश्चन पूछो, हु कौन दौड़ रहा है, डब्ल्यू एच ओ हु कौन दौड़ रहा है, मैं, इफेक्ट किसे जाएगा, मैं आई पर, आई पे इफेक्ट जाएगा, आई मैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पे इफेक्ट जा रहा है तो सब्जेक्ट प्रभावी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। अगर वो ऑब्जेक्ट होगा ना तो वर्ब का नहीं होगा, वो वर्ब का नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा प्रीपोजिशन का, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो के बाद ही आ सकता है, या तो प्रीपोजिशन के बाद या टीवी के बाद। अब जब ये आईटीवी की बात कर रहे हैं तो आईटीवी की बात कर रहे थे, यहाँ पे टीवी तो होगा नहीं, अब ऑब्जेक्ट तो कहीं ना कहीं तो होगा ही ना, तो वो प्रीपोजिशन का ही होगा, वो टीवी का नहीं होगा वो, ठीक है। क्या लिखा इसमें, इसमें एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रभावी होता है तथा पैसिव सेंटेंस में आईटीवी का यूज नहीं करते, ठीक है। पैसिव सेंटेंस में आईटीवी का यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि आईटीवी जो है अपने इफेक्ट को बी के साथ नहीं जोड़ पाती, वो अपने रिएक्शन को पीछे को नहीं घुमा पाती, वो केवल टीवी ही घुमा पाती है, तो यहाँ आईटीवी यूज नहीं होगी पैसिव सेंटेंस में। पैसिव सेंटेंस में हमेशा बी रहेगा, सही बात है, पैसिव सेंटेंस में घुमाना पड़ता है ना, क्योंकि मेरे द्वारा खाना खाया गया, ऐसी लाइन कोई नॉर्मली बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन जो बोलता है या जो कहीं भी यूज करनी पड़ती है, या फिर ऐसे मेरे द्वारा झंडारोहण किया गया, तो यहाँ पे मैंने झंडारोहण किया ये भी बोल सकते, लेकिन मेरे द्वारा झंडारोहण किया गया, कोई थर्ड पर्सन बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा ना, थर्ड पर्सन जो बोलेगा इसके द्वारा, जैसे राष्ट्रपति के द्वारा झंडारोहण किया गया, तो यहाँ पे पैसिव लाइन ही बोलनी पड़ेगी, तो वहाँ पे पैसिव लाइन जो बोलनी, वहाँ पे बी, वहाँ पे पैसिव सेंटेंस ही होगा, पैसिव सेंटेंस में बी का यूज करेगा, और जो वहाँ पे टीवी ही आएगी, वहाँ पे आईटीवी आ ही नहीं सकती, ठीक है। बात करें बी, मैंने बार बार बी बोला है कि बी आना चाहिए आईटीवी में, टीवी में बी आना चाहिए, ठीक है। तो बी कौन कौन है, वो है बी है इज एम आर वाज वर बी बीन और बीइंग, ये सब बी होती है सारी की सारी, ठीक है। जैसे ये इन सबको बी की तरह कंसिडर करेंगे, यहाँ पे बीइंग बी की जगह आ सकता है, जितने मैंने बी जितनी बार भी बोला वहाँ पे इज आ सकता है, एम आ सकता है, आर आ सकता है, वाज आ सकता है, वर आ सकता है, बी आ सकता है, बीइंग आ सकता है और बीन आ सकता है, ये सब अपने टेंस के अकॉर्डिंग आएंगे। जैसे अगर प्रेजेंट का है तो इज एम आर ऐसे, पांच का तो वाज वर ऐसे ऐसे कैसे आएंगे, ठीक है। जैसे एक्टिव सेंटेंस है आई डू दिस, मैंने ये किया, आई डू मैं ये करता हूँ, आई डू दिस मैं ये करता हूँ, ठीक है। तो इसका पैसिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, जैसे आई तो क्या है सब्जेक्ट, आई क्या है सब्जेक्ट, डू क्या है वर्ब, और दिस क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना तो पता है। डू क्या है वर्ब, वर्ब में भी कौन सी वर्ब है, टीवी है, टीवी होगी क्योंकि वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, और वर्ब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ही तो है दिस, दिस क्या है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट दो के बाद ही आ सकता है, या तो प्रीपोजिशन के बाद, या तो प्रीपोजिशन के बाद, या फिर टीवी के बाद,
तो यहाँ तो प्रीपोजिशन तो कहीं है नहीं, तो टीवी के बाद आ रहा होगा, तो टीवी यही है, टीवी क्या है, यही है, ठीक है। अब टीवी है, इसको और कन्फर्म कर लेते हैं, कैसे करते हैं। व्हाट है, हमसे क्वेश्चन पूछो, व्हाट, मैं करता हूँ, डू, मैं करता हूँ, व्हाट, यहाँ से क्वेश्चन पूछो, व्हाट, व्हाट यानी क्या, क्या करता है, क्या करता है, दिस, ये करता हूँ, इफेक्ट जा रहा नहीं इस पर अपना, डू व्हाट, क्या करता है, क्या करता हूँ, क्या, क्या करता है, दिस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे फिर जा रहे थे, क्या हो जाएगा, टीवी, और यह जो ऑब्जेक्ट, अब इस, अब पैसिव सेंटेंस में, अब इसकी हिंदी में क्या लाइन हो जाएगी, यह मेरे द्वारा किया जाता है, मैं ये करता हूँ, इसकी पैसिव लाइन, मेरे, यह मेरे द्वारा किया जाता है, तो यह जो है, ये चीज, ये जो ऑब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट की जगह चल जाएगा, तो दिस है ना, ये जो डन है, ये डू है, वो डन बन जाएगा, क्योंकि डन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, टीवी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। बाय, बाय लगा के इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट का आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, मी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज डन बाय मी, तो टीवी क्या, टीवी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ये टीवी है, टीवी की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि, और ये बी हो जाएगा, बी, अरे बी का बी लाना पड़ेगा ना, पैसिव सेंटेंस में बार बार बोल रहा हूँ, पैसिव सेंटेंस में बी आता है तभी अपना इफेक्ट। अब ये क्या हो जाएगा, जो ये डन है ना, डन से क्वेश्चन पूछो, दिस इज डन बाय मी, तो डन से क्वेश्चन पूछो, व्हाट, क्या, डन से क्वेश्चन पूछो, व्हाट, क्या, क्या, क्या किया गया, क्या किया गया, तो दिस, ये इस पे इफेक्ट डाल रहा है, जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के स्थान पर चले, तो जो पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की ओर इफेक्ट जाना चाहिए, और एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ओर इफेक्ट जाना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं आगे, एक्टिव सेंटेंस में एक्टिव सब्जेक्ट होगा, एक्टिव सेंटेंस जो कार्य करता है, जो कार्य में भाग लेगा, कल भी बताया था, पैसिव सेंटेंस में पैसिव सब्जेक्ट होगा जिस पर कार्य किया जाएगा, जो कार्य में भाग नहीं लेगा और जिस पर किया, कार्य किया जाएगा, ठीक है। ये एक्टिव पैसिव सेंटेंस होते हैं, इसमें सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे ये ही कैन अचीव हिज गोल, तो ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, कैन हो जाएगी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल जो भी, ठीक है। इसके बाद कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ये वर्ब मॉडल, इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिज गोल, ये हिज गोल पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब इसको अगर पैसिव सेंटेंस में बनाएगी, इसकी हिंदी क्या होगी, ही कैन अचीव हिज गोल, वो अपना अपना उसका गोल अचीव कर सकता है, तो इसकी इसको पैसिव में बनाएगी, क्या बताए, हिज गोल, हिज गोल, ये पैसिव में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर पीछे डालें तो क्या हो जाएगा, हिज गोल कैन ऐसा कैसा आएगा मॉडल में, है ना। अब यहाँ पे ये अचीव डालना पड़ेगा, अचीव्ड वर्ब की टीवी की थर्ड फॉर्म, बाय हिम, ठीक है। अब यहाँ पे कैन, अब यहाँ पे बी लगाना पड़ेगा, वो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी पड़ती है पैसिव में, यहाँ पे बी लगाना पड़ेगा, तो बी ऐसा लगाओ कि जो कैन को सेटिस्फाई करे, कैन को सेटिस्फाई करे, यानी कैन के लिए मतलब सही हो, कैन के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, कैन के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ये ऊपर देखो बी, यहाँ पे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म क्या चीज है, यहाँ पे इन पे बताओ, ए जे मार वाज वर तो नहीं है, बींग भी नहीं है, बीन भी नहीं है, तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ये लग रही है बी, तो नहीं, यहाँ पे क्या जाएगा, कैन बी, देखो ये लिखा का, हिज गोल कैन बी अचीव्ड बाय हिम, तो उसका गोल किया जा सकता है, उसका गोल किया जा सकता है अचीव्ड उसके द्वारा, ठीक है। ये इसकी कंप्लीट पैसिव में सेंटेंस हो जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, कैन आ गया, कैन का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और अचीव्ड के लिए ये अचीव्ड टीवी है, तो इसको अरेंजमेंट करने के लिए बी बीच में डाल दिया, और ये टीवी की थर्ड फॉर्म हो गई, और बाय हिम ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। Do like the video and subscribe the channel and share with your contacts those who are preparing for any government exam.